नमस्कार नमस्कार साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण समय, और महत्वपूर्ण समय इसलिए कहा जाएगा कि आज जिस प्रश्न को लेके या जिस चर्चा को लेके आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं वो आसान विषय तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आए। बात यह है कि अभिव्यक्ति को लेकर तो बहुत बातें हुई, अभिव्यक्ति का अपना एक रचना संसार है, बहुत सारी विधाएं हैं, उस सब में आदमी अपने आप को अभिव्यक्त करता रहा है, लेकिन एक डायमेंशन ऐसा होता है जो उसकी सीधी सीधी अनुभूति को छू लेता है। अब वो या तो दृश्यगत होता है, देख के अनुभूत होता है, या महसूस करके अनुभूत होता है, और उसके अपने प्रभाव उस अनुभूति के उसके पूरी जीवन शैली पर या उसके व्यवहार पर, और हम आगे बढ़ के कहें तो उसकी पूरी सोच पर किस तरह से प्रभावित करते हैं, उसके कारक क्या है। तो ऐसी गहन पड़ताल को लेकर आज डॉक्टर मनु शर्मा जी हमारे साथ हैं, और इनके द्वारा लिखे गए दो निबंध हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं चाहता हूं कि वो आप तक पहुंचे। उन निबंध को लेकर बात यह है कि पहला निबंध जब मुझे सौभाग्य मिला, उसे पढ़ा मैंने, महसूस किया, तो वो है आभासीय यथार्थ। पहला निबंध। अब सोचने पे मजबूर हो गया था मैं भी कि यार आभास को हम कितना यथार्थ में महसूस कर जाते हैं, और इसमें कौन से कारक हैं जो हमें यथार्थ परख महसूस करा जाता है, ऐसी कौन सी स्थिति है, वो कौन से ग्राउंड्स हैं। और दूसरा निबंध बिल्कुल इसके समक्ष आया, यथार्थ का आभास। तो बड़े दोनों गूढ़ विषय हैं, लेकिन हमारे जीवन में आगे अपनी जीवन शैली को एक सही दिशा और सोच देने के लिए इनको भी सुन लेना या समझ लेना मुझे लगता है बहुत प्रासंगिक है आज के जीवन के लिए। तो डॉक्टर साहब, अभिनंदन है आपका, और मैं चाहूंगा कि आप बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आप बताएं कि आपके इस निबंध को लिखने के पीछे आपकी क्या सोच रही, थोड़ा इंट्रोडक्टरी दे दें, फिर अपन इसको आगे थोड़ा सा बात करेंगे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सक्सेना साहब। क्या है कि जब से सूचना प्रौद्योगिकी का जी एक तरह से विस्फोट हुआ है, तब से ये देखा जा रहा है कि ऐसी चीजों को जीवन के अंदर लाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिनसे हमारे जीवन का जो प्रचलित स्वरूप है वो बिल्कुल बिल्कुल बदला हुआ सा नजर आने लगा। ठीक कह रहे हैं। तो इससे ऐसा लगा कि कहीं कहीं पर वो जो एक प्राकृतिक सहज और स्वाभाविक जीवन है उसमें कोई ऐसी चीज है, ये जो तकनीक है वो तकनीक इस तरह से हस्तक्षेप करती चली जा रही है कि जीवन की जो सरलता है, उसकी जो सुगमता है, सहजता है, वो एक तरफ हो रही है और हम उन तकनीकी दबावों में आकर के और वो तौर तरीके अपना रहे हैं जिन तौर तरीकों को लेकर के जी कोई बहुत ज्यादा जो है आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। जैसे मैं एक बात कहता हूं कि आज सूचना तकनीक के माध्यम से जो उपकरण हमारे हाथों में आ गए हैं, वो चाहे स्मार्टफोन हो या कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, तो इनका इस्तेमाल करते हुए
हम ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे दुनिया दुनिया जो है वो हमारे हथेली के ऊपर हथेली के ऊपर आ गई है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तकनीक ने ये काम किया है कि हमारे यहाँ बहुत पहले से जो है ना एक कहावत चली आ रही है हस्तामलक वाली, यानी हाथ के ऊपर आंवले की तरह दुनिया जो है ना वो हमें दिखाई पड़ने लग गई है। सही। लेकिन साथ ही साथ ये भी लगने लगा है कि ये जो दुनिया को जो है जिस तरह से हम बहुत छोटे रूप में अनुभव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी दुनिया हमारी हमारी जेब में है या हमारी मुट्ठी में है। ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या जिंदगी के अंदर उसी तरह की ताजगी, उसी तरह की गति, उसी तरह की सरलता, उसी तरह की सहजता भी देखने को मिल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है। बस चिंता की बात यही है कि इस तकनीक ने जो है वो हमारे जीवन के अंदर एक तरह की कृत्रिमता ला दी है। और ये जो कृत्रिमता है, इस कृत्रिमता के कारण जो है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम जो जीवन की सच्चाई है, जीवन की जो वास्तविकताएं हैं, जीवन की जो निकटताएं हैं, जीवन की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से कहीं न कहीं पर हटते चले जा रहे हैं और एक ऐसी दुनिया के अंदर जो है वो अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं जो दुनिया कुल मिलाकर के आभासी है। आभासी। अब इस चीज को मैं जो है ना थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण आपको देना चाहूं। ठीक है, हुआ क्या कि जब से जो है वो आधुनिकता का दौर दौरा शुरू हुआ, तो उस आधुनिकता के दौर दौरे के साथ ही जीवन के अंदर व्यस्तताएं बढ़ती चली गई, जीवन शैली बदल गई, पति और पत्नी दोनों जो है कामकाजी होते चले गए। ठीक है, अब ऐसी हालत में जो घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों की देखभाल करना या उन बच्चों की जो है फीडिंग वगैरह है उसको कैसे पूरा किया जाए। ठीक है, तो आपने देखा होगा, मैं खूब देखा होगा घरों के अंदर कि जो नौकरी पेशा महिलाएं होती हैं, वो नौकरी पेशा महिलाएं अपने शिशुओं की फीडिंग के लिए एक निप्पल वाली बोतल जो है इस्तेमाल करती। अब वो जो निप्पल वाली बोतल है उस निप्पल वाली बोतल को मैं जो है वो स्तनपान का आभास मान करके चलता। अच्छी सोच, अच्छी पकड़। यानी बचपन से हमें आभासों के अंदर जीने का इस तरह से अभ्यस्त बना दिया जाता है। ठीक है भाई, वो जो बच्चा है वो बच्चा ये नहीं जानता है कि उसको जो दूध पिलाया जा रहा है वो माँ के स्तन से पिलाया जा रहा है या निप्पल वाली बोतल से पिलाया जा रहा है। ठीक है, दूध पीना उसकी जरूरत है, लेकिन उस निप्पल वाली बोतल को जो है वो माँ के द्वारा कराए जाने वाले स्तनपान का जो है विकल्प बना दिया गया। ठीक है, तो वो जो निप्पल है वो निप्पल एक तरह से माँ के द्वारा कराए जाने वाले स्तनपान का आभास कराती है। ठीक है, क्योंकि उसको जो है वो तकनीक के माध्यम से इस तरह से बनाया गया है कि वो उस निप्पल से दूध पीते हुए वो बच्चा ये मान करके चलता है या उसको ऐसा लगता है बच्चे को कि जैसे माँ के द्वारा उसे दूध पिलाया जा रहा है। यहाँ एक प्रश्न उठता है। जी जी जी, असहज रूप से उठ गया मेरे मन में कि बच्चे की जरूरत तो पूरी हो गई। जी, जैसा अभी आपने कहा बिल्कुल, लेकिन माँ के स्तन की गर्माहट, वो अपनापन एक ललित लावण्य
माँ से चिपटने का, बिल्कुल बिल्कुल, वो उस अनुभूति से तो वो वंचित रह गए, वंचित रह गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपके ये जो बात है, और मैंने जो है ना अपने इस आलेख के अंदर इस बात को पूरी तरह से जो है सामने भी रखा है जी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने दूध पीने की उसकी जो जरूरत है उसको तो निप्पल के माध्यम से पूरा कर दिया है, ठीक है, लेकिन माँ की गोद के अंदर रहने का जो उसका सुख है वो इसके अलावा माँ के दूध के माध्यम से उसको जो पोषण मिलता तो है नहीं। वो और साथ ही साथ माँ का स्पर्श पाकर के उसके उसके विकास के अंदर जो जो गतिशीलता आती है उसका विकास जिस रूप में होता वो तो वो सब वो उस सब से वो बच्चा वंचित हो जाता है, यानी उसके व्यक्तित्व के अंदर जो है एक तरह की कमी रह जाती है, अगर मैं इस बात को इस तरह से कहूं। ये बात ठीक है कि उसकी भूख मिट रही है, ठीक है, उसकी भौतिक जरूरत जो दूध पीने की उसकी भौतिक जरूरत है वो पूरी हो रही है, लेकिन वो जो उन्हें कहना चाहिए कि वो स्पर्श का सुख, सही कह रहा है, या उस दूध के माध्यम से उसको जो पोषण मिलता वो वाका ममत्व है, उसका जो वात्सल्य, वो जो वात्सल्य है वो सब जो है उस बच्चे से छूट जा और उसके व्यक्तित्व के अंदर जो है कहीं कहीं पर ये कमी आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि वो जो है निप्पल के माध्यम से जो दूध पी रहा है और दूध पी करके ये आभास कर रहा है या उसको ये लगता है कि मैं माँ के स्तनों के माध्यम से दूध पी रहा हूं, ये जो चीज है ये एक तरह से आभास है, यथार्थ नहीं है, ठीक है। यथार्थ तो माँ के स्तन पान का ही है, माँ का जो स्तन पान है वो यथार्थ है, लेकिन उस यथार्थ को हम जो है वो उस यथार्थ से उसको अलग करके और निप्पल के माध्यम से दूध पिला करके उसे एक आभासी जीवन जीने का अभ्यस्त बना रहे होते। डॉक्टर साहब यहाँ एक छोटी सी बात और आ रही है जी, प्लीज। एक तो आप तकनीक की बात कर रहे हैं, सामने आ रही है तकनीक जो है वो जितनी जरूरत है उससे ज्यादा भी आ रही है और आ भी रही है और उस तरह का आभास दे रही है, ये भी आपने स्वीकार कर लिया कि बच्चे को जो मिलना चाहिए था वो असल जो फीलिंग होती है माँ की गोद की जी उस सुख से वंचित। अब इसको थोड़ा सा एक अपन ऐसा मान लें कि ये एक प्रतीकात्मक कहानी है जी, और इस प्रतीकात्मक कहानी को अपन थोड़ा सा विस्तार दें जी आगे के जीवन के लिए, तो क्या आपका ये जो आभासी यथार्थ है वो हमारे अपने पूरे जीवन शैली पर अन्य अन्य घटकों के साथ किस तरह से हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब इसका रिफ्लेक्शन ही इसकी प्रासंगिकता सिद्ध कर देगा जी। तो मैं थोड़ा सा आग्रह करूंगा आपसे कि इसी बात को अपन, ये बहुत सुंदर बोध है आपका, आप दृष्टि बोध है कि आपने वहां से इस बात को उठाया जो बहुत ही ज्यादा अपने हिंदुस्तान में के तो घर घर में सब देखा जाता रहा है, लेकिन आपने उसको समझा सोचा और उसको एक दिशा दी उस घटना को, तो थोड़ा सा इसको अपन होता क्या है जी। देखिए कि आपने जो बात कही है कि भाई जीवन के अंदर ये जो आभासी यथार्थ है जी वो किस तरह से अपना प्रभाव डालता है जी, तो आप और हम देख रहे हैं जी कि जैसे जैसे सूचना तकनीक जो है बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, और चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे जो है ना लैपटॉप हो, और अब तो यहाँ तक की जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, बिल्कुल सही, वो ये सब मिलकर के जो है वो एक ऐसी दुनिया की रचना करने में लग रहे हैं जिसके अंदर जो जो जीवन जीवन का जो वस्तुगत यथार्थ है उस है। वस्तुगत यथार्थ से जो है व्यक्ति पूरी तरह से अलग हो जाए, अलग हो गया, सिर्फ जरूरतें पूरी कर, सब जरूरतें पूरी। अब जैसे मैं एक बात बताऊं आपको कि
आज हम देख रहे हैं जी कि फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर हमें जो है वो नए नए दोस्त मिल रहे हैं, हम उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, और हमें ये लगता है कि हमारी दोस्ती का जो दायरा है बहुत बढ़ रहा है, वो बहुत बढ़ रहा है। वो मुझे याद आता है, वो संपत सरल अक्सर जो है ना इस तरह की एक कविता सुनाते हैं जिसके अंदर कहते हैं कि फेसबुक के ऊपर 5,000 दोस्त हैं और जितने और पड़ोसी से बातचीत भी नहीं है। ये है ये सच्चाई है कि हम अपने वास्तविक जीवन के अंदर दोस्तों को खोते चले जा रहे हैं और आभासी दुनिया के अंदर दोस्तों क्या की जो है ना लाइन लगी पड़ी, ये स्थिति उलट गई, ये स्थिति उलट गई है। इसके अलावा आप देखिए कि आजकल जो नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी मोबाइल के ऊपर या स्मार्टफोन के माध्यम से जो है वो मार्केटिंग कर रही है या वहां पर जो है वो कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर बैठ करके वो जो है ना वो किताब पढ़ रही है, ई बुक आ गई है, ई मार्केटिंग हो रही है, ईमेल आ रहे हैं, है? तो ये जो सारे का सारा संसार रचा जा रहा है, ये संसार आपको कहीं वास्तविक दुनिया से जोड़ता है बल्कि आप अपने घर के अंदर रह करके और बाजार से चीजें खरीद लीजिए, आप अपने घर के अंदर बैठ करके बिना किसी अच्छी सी लाइब्रेरी के अंदर गए हुए किताब पढ़ लीजिए, आप अपने घर के अंदर बैठ करके जो है वो ईमेल कर लीजिए, या आप अपने घर के ऊपर बैठ करके अब तो हालत ये हो गई है कि आपकी जेब के अंदर जो पैसा है वो पैसा भी अब जो है वो आपके आपका जो डिजिटल स्क्रीन है उस डिजिटल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा, आपकी जेब के अंदर या आपके बैंक के खाते के अंदर वो पैसा नहीं है। तो ये जो सारी दुनिया है, ये सारी दुनिया आभासी दुनिया है। अब आप देखिए कि पहले के जमाने के अंदर हम देखते थे कि जेब में से पैसा निकाल करके है और उसको खर्च करते थे, 3 बार उसको गिनते थे, गिन करके और फिर सामने दुकानदार को देते थे हम, है, और वो हमें वापस लौटाता था, तो वो जो लेन देन का सुख होता था वो सुख अलग तरह का होता था। लेकिन आज जो है वो आप केवल मोबाइल के ऊपर है जो है तरह 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 के जो है वो ऐप्स है, हाँ तरह तरह के ऐप्स हैं, उन ऐप्स के माध्यम से आप पेमेंट्स कर दीजिए और आपको ये लगेगा ही नहीं, दर्द ही नहीं होगा कि आपकी जेब में से पैसा जा रहा है। नहीं, बच्चे के हथेले पर जो चोरनी रखने का सुख था, बिल्कुल वो कहाँ है, वो सुख ना, बच्चा उस तरह खुश होता दिखाई देता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, देखिए मैं इस चीज को इस रूप में भी देखता हूँ कि जब पैसा आपकी जेब में नहीं है, आपके खाते में नहीं है, तो आप जो है उसको खर्च करते हुए तरीक भी हिचकते नहीं है, सही, आपको खर्च करते हुए संकोच नहीं होगा, आप जो है ना खुले हाथ उसको लुटाते चले जा रहे हैं और मन मर्जी की अनावश्यक चीजें, कई बार अनावश्यक चीजें हम जो है ना खरीदते चले जा रहे हैं। तो ये जो सारा का सारा संसार रचा जा रहा है, इस संसार के पीछे जो है कहीं ये उद्देश्य काम कर रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज का, या जो सूचना प्रौद्योगिकियों को निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों का ये सोच है कि धीरे धीरे करके जो जीवन की सच्चाइयां हैं उन जीवन की सच्चाइयों को उससे आदमी को अलग कर दिया जाए और उसके सामने जो है एक ऐसी वैकल्पिक दुनिया, एक ऐसी आभासी दुनिया रख दी जाए जैसे बच्चे को दूध पिलाते हुए निपल मुंह में दे दी जाए और वो बच्चा उस निप्पल को मुंह में लेकर के ये समझने लग जाता है कि मैं दूध पी रहा हूँ। सही, तो ये एक तरह से यथार्थ को जीवन से विस्थापित करने या इसको यो कह लीजिए कि यथार्थ से हमें अलगाने की कोशिश है, यथार्थ को विस्थापित कर दिया जाए जिंदगी से। सही है, यहाँ डॉक्टर साहब एक बात और आती है कि ये सारी बात जो है हमारी इसमें ज्यादा संप्रेषण भौतिकता पर लिया गया है कि भौतिक वस्तु जो है
वस्तु जगत जो है हमारा वास्तु जगत वो हमें कैसे प्रभावित कर रहा है। लेकिन हमारी अन्य संज्ञाएं जो हैं जी, जहां हम महसूस करते हैं, जैसे स्पर्श सुख है जी, स्वाद ग्रंथि है हमारी, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो दूसरी संज्ञाएं हैं जीवन की, जिनका अपना भी बहुत बड़ा अहम रोल है अपनी सारी सोच पर, वरना अगर अनुभूति नहीं होती स्पर्श सुख की तो मुझे लगता है कि प्यार के जो मोहब्बत के जो प्रसंग है उनमें बहुत कमी आ चुकी हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये जो स्थिति है इसमें आप आवासी यथार्थ को कहां देखते हैं? देखिए ये बात तो तय है जी, और अब वैज्ञानिकों ने भी इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है जी, कि मनुष्य को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति 5 तरीकों से होती है। ठीक है, जिसे हमारे यहाँ दर्शन के अंदर जो है ज्ञानेंद्रियां कहा गया है। वे ज्ञानेंद्रियां ही जो है वो ज्ञान का स्रोत है। ठीक है, उन्हीं के माध्यम से जो है वो मनुष्य तमाम सूचनाएं प्राप्त करता है और अपने अपने जो उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान विकसित होता है। अब सवाल ये है कि वो जो ज्ञान है वो ज्ञान अनुभूति का विषय बनकर के, वो अनुभूति का विषय, तो जब ज्ञान अनुभूति का विषय बन जाता है तो वो बोध का दर्जा प्राप्त कर ले। सही कह रहे, वो बोध का दर्जा प्राप्त कर ले। सही है, सही, तो वो जो बोध है जिसको जिसको कहना चाहिए कि हम जीवन के अंदर विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो हमारी संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को अपनी स्मृति के अंदर संजो करके जब आगे बढ़ते हैं तब जो है वो बोध हमें हमारे जीवन के अंदर किस तरह से मार्ग प्रशस्त करता है, या यो कहना चाहिए कि हमें भावनात्मक स्तर पर या अनुभूति के स्तर पर किस तरह से प्रेरित करता है। तो मैं एक किस्सा, वो आपने भी पढ़ा होगा जी, जी। मैं उसकी और शायद एक फिल्म भी आई थी रजनीकांत की, एक फिल्म आपने देखी होगी रोबोट। अच्छा, और वो किस्सा वो जो फिल्म है वो एक्चुअल में एक जो रोबोट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो वैज्ञानिक है उन वैज्ञानिक के जीवन की घटना से जुड़ी हुई है। अब मैं बताता हूँ कि किस तरह से जो अनुभूतियां हैं वो उन अनुभूतियों के क्षेत्र के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, या यो कह लीजिए कि वो जो आभासी यथार्थ है, वो आभासी यथार्थ घुसपैठ करता पूरी तरह से घुसपैठ करता। हुआ क्या कि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैज्ञानिक है उन्होंने एक रोबोट बनाया। ठीक है, और उस रोबोट को जो है वो बिल्कुल मनुष्य की तरह का रूप रंग आकार प्रकार और जो है ना यहाँ तक की बोली बानी भी उसकी जो है वो मनुष्यों जैसी उन्होंने फीड की और उसको उसको बिल्कुल उस तरह से बना दिया कि जैसे ये जो है ना मनुष्य। ठीक है, लेकिन हकीकत में तो वो मशीन है। सही है, वो मशीन वो मनुष्य तो है नहीं। ना ना, अब होता क्या है कि उन वैज्ञानिक के यहाँ पर एक उनकी एक बेटी होती है, तो वो बेटी जो है उस रोबोट से निरंतर संपर्क में रहने के कारण एक अटैचमेंट अनुभव करने लगती है। ठीक है, रोबोट के साथ, और रोबोट के साथ में अटैचमेंट अनुभव करने लगती है तो जो वैज्ञानिक है उनको थोड़ा सा जो है ना आशंका होती है कि कहीं ये गलती से इसके पास में नहीं चली जाए। बिल्कुल सही, तो वो उसको हिदायत देते हैं, उसको समझाते हैं कि तुम जो है इसके प्रति अपना जो भावनात्मक जुड़ाव है तुम्हारा वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन कभी इसके नजदीक मत जाना। लेकिन उस लड़की ने, वो लड़की
भावावेग के अंदर जो है अपने पिता की जो नसीहत है उस नसीहत को भूल जाती है, और एक दिन होता यह है कि वो भावावेश में आकर के और उस रोबोट को जो है वो अपने अपनी बाहों के अंदर बढ़ने की कोशिश करती है। तो नतीजा ये निकलता है, चूंकि वो जो रोबोट है वो रोबोट भी उसी तरह की क्रिया करता है, क्या बात, तो वो रोबोट भी उस लड़की को बाहों के अंदर लेता है। जब वो रोबोट उस लड़की को बाहों में लेता है तो रोबोट को ये पता थोड़े ही है कि इस लड़की को अपनी बाहों में लेते समय उसका जो है वो कितना कितना दबाव चाहिए होना चाहिए। वो तो मशीन है, तो उसने अपनी पूरी ताकत के साथ में जो जो चीज उसके अंदर फीड की गई थी उसके हिसाब से उसने उसको अपनी बाहों के अंदर जकड़ लिया, और जकड़ने का नतीजा ये निकला कि वो लड़की उस रोबोट की बाहों में दम तोड़ दे। जबकि वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक थे उसके पिता, उन्होंने पहले उसको समझा दिया था कि क्योंकि उनको मालूम था कि ये खतरा हो सकता है। तो क्या है कि जो मशीन है वो मशीन आप उसे रूप रंग आकार प्रकार बोली बानी के हिसाब से मनुष्य जैसा चाहे बना दीजिए, ठीक है, लेकिन जो मनुष्यता है वो मनुष्यता अनुभूति का विषय है। उसके अंदर मनुष्यता कैसे पैदा करेंगे आप, नहीं हो सकता। वो तो मशीन है, वो तो यंत्र है, उस यंत्र के अंदर मनुष्यता को जो है ना नहीं ला सकते आप। मेरे ख्याल से इसमें एक बात और निकल के आ रही है जी। ये मान लीजिए आसान शब्दों में कि एक शिक्षा मिलती है, एक मैसेज मिलता है कि इस आभास से दूरी रखनी चाहिए, और अब दूरी कितनी रखनी चाहिए उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझ लें कि आभासी यथार्थ क्या है, ऐसा लगता है। नहीं, देखिए क्या है कि हम जिस समय में जी रहे हैं जी उसमें तकनीक से दूरी रखना तो अब हमारे लिए संभव नहीं रह गया, क्योंकि वो तकनीक के जो दबाव है, ठीक है, उन तकनीक के दबावों के साथ ही हमें जीना होगा, और तकनीक के अपने लाभ भी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जो तकनीक है वो हमेशा जो है वो नुकसान देती है। अगर अगर मान लीजिए जैसे मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं कि वही रोबोट अगर सीमा के ऊपर जो है वो सैनिकों की जगह लड़ रहा हो, बिल्कुल सही, तो उससे आपके मानव संसाधन के ऊपर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ेगा है, तो उसका उसका अपना लाभ भी है। लेकिन होता क्या है कि हम जब तकनीक से कुछ अतिरिक्त अपेक्षाएं करने लग जाते हैं, ये मानकर के चलने लग जाते हैं कि ये तकनीक हमारी हर जरूरत को पूरा कर देगी, ठीक है, तब गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये तो सहज बात है ना, नहीं, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है स्लिप हो जाना। नहीं नहीं, स्लिप हो जाना तो प्रवृत्ति है, लेकिन जब समझा दिया गया देखिए मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूं, ठीक है, जब उसके पिता ने उसको समझा दिया था कि कभी इसके पास में मत जाना, ठीक है, उसके बावजूद भी अपने पिता की नसीहत पर वो ध्यान नहीं देती है और जाकर के और जो है ना तो उसके परिणाम तो उसके उसके जो दुष्परिणाम है वो सामने आते हैं। इतने घातक तकनीक के साथ में यही है, तकनीक को आप जो है वो अपने जीवन को अधिक से अधिक सुगम बनाने के लिए इस्तेमाल तो कीजिए, आप उसका उपयोग कर लीजिए, लेकिन आप उसका दुरुपयोग मत कीजिए। अगर आपने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है तो संकट खड़ा हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, ये जो एक बहुत बड़े भौतिकविद हुए हैं प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस ने तो यहां तक कहा है कि आने वाले समय के अंदर ये जो कृत्रिम बौद्धिकता है यानी जो रोबोट है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये मनुष्य के लिए घातक सिद्ध होंगे। बिल्कुल सही, तो ये जो चीज है इस इन चेतावनियों को हमें जो है ना हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और ये न मान करके चलना चाहिए कि आप फेसबुक के ऊपर जिसके साथ में चैटिंग कर रहे हैं वो कोई बहुत आपका बहुत अंतरंग मित्र है और आप उसके सामने जो है ना अपनी सारी जो है भावनाएं
उंडेल करके रख दे और ये मान करके चलने लग जाए कि आप बस इसके अलावा जो है ना जीवन के अंदर दूसरा कुछ है ही नहीं, तो वहां वहां से जो है वो जीवन डिरेल्ड होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि ये जो आभासी यथार्थ है, इस आभासी यथार्थ ने हमारे जीवन के अंदर बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो ला दिया है। सही। और हमें उस यानी आभासी यथार्थ को निरंतर आगे बढ़ाने में जो बाजार की भूमिका है, आप कभी उसके ऊपर गौर नहीं करते, क्योंकि ये जो आभासी यथार्थ है ये कहीं कहीं पर बाजार की जो जरूरतें हैं पूरी तरह है। बाजार की जरूरतों को पूरा बिल्कुल उनको जो उनको पूरा मार्केट तो डिपेंड मार्केट किसी के ऊपर डिपेंड आपका सारा विज्ञापन है आपका, हाँ आपका सारा जो विज्ञापन संसार है वो सब इसी के ऊपर निर्भर कर रहा है। आपको जो है ना ऐसा आभास कराया जाएगा कि इस वस्तु की जो गुणवत्ता है वो तो बाजार के अंदर उपलब्ध तमाम वस्तुओं से बेहतर है और उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके भीतर इच्छा जगाई जाएगी और आप उसको लेकर के आएंगे, चाहे वो वस्तु जो है ना उतनी गुणवत्ता परक हो या नहीं हो। इसमें थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट जी, फिर अपन दूसरे उस पर आएंगे। जहां अपन ने भौतिक उसकी बात करी, सारी वस्तुगत बात करी, लेकिन एहसासों की बात नहीं करी, लेकिन जब एक रचनाकार अपनी रचना धर्मिता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ कोई रचना कर्म करता है जी, चाहे वो लेखक है, पुस्तक लिखता है, या वो कोई आर्टिस्ट है, अपनी कला प्रदर्शित करता है, बनाता है, या कोई संगीतकार है, और इसके इसका अपेक्स यहाँ तक देखने में आया है कि घरों में अगर कोई सीरियल आ रहा है या कोई धार्मिक सीरियल आ रहा है तो घर की बुजुर्ग महिलाएं हाथ जोड़ के बैठ जाया करती थी एक जमाने में जब रामानंद सागर का रामायण आया था, या और भी अब फिल्म ये भी देखा जाता कि थिएटर में पहले जो प्रोड्यूसर थे वो सामाजिक फिल्में बनाते थे और घर की महिलाएं औरतें रोने लगती थी वो दृश्य देख के या क्रूरिटी देखकर। तो ये एक इस तरह से एक है तो सारा आभास, ये तो पता है फिल्म देखने आए हैं, लेकिन मनुष्य की अंदर की जो अनुभूतियां हैं या उसका अंदर जो दबा हुआ जो कुछ भी है एहसास, तो उसको परिलक्षित करने में भी कितना मददगार होता है, इस पर थोड़ा सा कहें फिर अपन आगे चलें। आपने जो है वो इसकी दिशा को एकदम से जो है मोड़ दिया है। फिर अपन और मैं ये फिर अपन यथार्थ के आवास पे चलेंगे। दरअसल में ये जो आपका सवाल है ये भी यथार्थ के आवास से जुड़ा हुआ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कलाओं के लिए जो है वो आभासी यथार्थ उतना उपयोगी नहीं होता है जितना यथार्थ का आभास उपयोगी। खूबसूरत बात। कारण ये है कि जब तक हम जो है वो वस्तु जगत की ठीक है वस्तु जगत को जो है वो अपनी अनुभूति का विषय नहीं बनाते, ये सारा का सारा जो वस्तु जगत है वो जब हमारी अनुभूति का विषय नहीं बनता है तब तक हम जो है वो कला कर्म के लिए प्रेरित हो ही नहीं पाते। उसको जो है अपनी अनुभूति का हिस्सा बनाने के बाद ही हम कला में प्रवृत्त होते हैं। तो होता ये है कि जो दिखाई पड़ने वाली दुनिया है वो दिखाई पड़ने वाली दुनिया जब आपको कुछ लगने लगे, जैसा कई बार आपने देखा होगा कि हम सामान्य बातचीत के अंदर जो है ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा, ठीक है मुझे ऐसा लग रहा, तो ये जो लगना है ये लगना ही दरअसल में आभास है। सही है भाई, एक तो है होना, एक महसूस लगना, एक तो है होना, कोई चीज कैसी है, जैसे ये कुर्सी है तो ये कुर्सी
जिस रूप में है उस रूप में हम इसे देख रहे हैं, लेकिन इस कुर्सी को देख करके हमें क्या लग रहा है। बिल्कुल सही। तो वो जो लगना है वो लगना आभास है। सही है। हमारे यहाँ दर्शन और खासतौर से दर्शन के बाहर के अंदर में, दर्शन के क्षेत्र में बाद में जाऊंगा, सबसे पहले मैं जो है शब्द कल्प ध्रुव नाम का जो है ना एक कोश है। ठीक है। उस कोश के अंदर जो है वो आभास शब्द को जिस तरह से व्याख्यात किया गया है वो मैं बताऊं तो उसके अंदर वो कहते हैं, कल्प ध्रुवकार कहते हैं कि प्रतिबिंबादिवत अवास्तव स्वरूपम, यानी जो अवास्तविक स्वरूप प्रतिबिंब के तरह होता है, ठीक है, वो वास्तविक नहीं है। हाँ। लेकिन चूंकि वो प्रतिबिंब है उस वास्तव का, इसलिए वो हमें वास्तव जैसा दिखता है। तो ये वास्तव जैसा दिखना, वास्तव न होते हुए भी वास्तव जैसा लगना, ये जो चीज है वो कला के लिए उपयोगी होती है। वो यथार्थ का आभास है। वो आप यथार्थ का आभास है, होता ही यथार्थ का आभास। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, बहुत बढ़िया, आपको भी ध्यान होगा, अज्ञेय की एक लंबी कविता है असाध्य वीणा। उस असाध्य वीणा कविता के अंदर जो है वो जो है उसके उसके अजीत केस कंबली, वो जो गाए संगीतकार है, वो संगीतकार जो है उनको उस राजा की सभा के अंदर उस वीणा को बजाते हुए उनको किस किस तरह से की अनुभूतियां होती हैं, वो क्या है अनुभव करते हैं, और उस अनुभव संसार के अंदर जो है उसका उसका जो विस्तार वो दिखाते हैं, वो अपने आप में बड़ा जो है वो विचारणीय है, और वो बड़ा विराट है। मैं उस कविता का जो अंश है जी, 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 वो अंश मैं आपको यहाँ पर पढ़कर के सुनाना चाहूंगा। तो जो केश कंपनी का जो आभास है जी, वो किस तरह से सामने आता है हमारे, तो वो कहते हैं पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए की चुपचाप, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौके खग शावक की चिहुक, शिलाओं के दुलराते पन झरनों के, द्रुत लहरीले जल का कलकल निनाद, कोहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव की ढोलक की थाप, गडरिये की अनमनी बांसुरी, कठ फोड़े का ठेका, फूल सुगनी की आतुर फुरकन। अब आप देखिए ये जो है ये सारी की सारी जो प्रकृति एक अलग संसार है, एक अलग संसार है, लेकिन उस वो जो है वो तरुतात, उस तरुतात को जब जो है वो अजीत केश कंबली अपने अपनी गोद में रखते हैं और उसके ऊपर जो है ना स्वर साधने की कोशिश करते हैं तो उनको किस तरह की अनुभूतियां होती है। तो ये जो लगना है यथार्थ अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर है यथार्थ, लेकिन लगना उसका आभास करना। उसका आभास बचपन के अंदर मेरी दादी जो है वो कहा करती थी, ये जो एक पक्षी होता है ना कमेडी, कमेडी होता है, कमेडी पक्षी पक्षी होता है, उसको क्या कहते हैं वो जो है ना शायद उसको अबाबील भी कहते हैं, छोटा हाँ छोटा होता है, तो वो जो है वो कमेडी वो जब घर की मुनेर के ऊपर आकर के बैठती और वो जब उसका स्वर अलग होता है, वो जब बोलती तो मेरी दादी कहा करती थी कि ये कमेडी बोल रही है कि केशव तू, केशव तू, केशव तू, केशव तू, ठीक है, कमेडी तो अपने ढंग से बोल रही थी। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरी दादी को ऐसा लगता था कि जैसे वो बोल रही है केशव तू, केशव तू, केशव तू, ये है आभास।
सही, ये लगना और यही कला के लिए जो है सबसे जरूरी चीज होती है, उसके एथिकल का भी यही सबसे जरूरी चीज होती आत्मा की, क्योंकि अगर अगर आपको जो है वो यथार्थ किसी तरह का एहसास नहीं कराता तब तो व्यर्थ, तो व्यर्थ तो उस यथार्थ को देख करके, वस्तु जगत को देखते हुए आप जो कुछ महसूस कर रहे हैं, आपके भीतर जिस तरह के बिंब बन रहे हैं, जिस तरह के जिस तरह की अनुभूतियां आकार लेती चली जा रही है, वो जो है ना वो आपका आभास है। तो यहाँ कला के लिए क्या है कि यथार्थ का आभास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और आपने आपने जो बात कही कि वो जो है ना वो उसके उसके मन के अंदर जो है वे तरह तरह के भावों तरह तरह की अनुभूतियों को पैदा करता है, तो वो अनुभूतियां ही कुल मिलाकर के हमें जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ अपना अपना जो है वो सामंजस्य बिठाने का अवसर देती है। उन अनुभूतियों के जरिए ही हम दूसरे व्यक्ति से जुड़ते हैं। अगर वो अनुभूति नहीं होगी, वो भावनाएं नहीं होगी, वो भावबोध नहीं होगा, तो हम दूसरे व्यक्ति से जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, विचार के स्तर पर भी जो है ना वो सब होता है, लेकिन वो जो भाव के स्तर पर घटित होता है उसका प्रभाव दूसरा होता है, विचार के स्तर पर जो घटित होता है उसका प्रभाव दूसरा है। मूल रूप से मेरे समझ में जो तेजी बात आ रही है, जैसे मैं बहुत दो शब्दों में अलग डिफरेंशिएट करूं जी, फिर आपसे ये प्रश्न भी करूंगा, जहां हम आभासी यथार्थ की बात कर रहे थे वहां वस्तुगतता ज्यादा है, उसके इम्पैक्ट ज्यादा है, लेकिन जब हम यथार्थ के आभास की बात कर रहे थे तो यहां वो पक्ष आ गया, यहां आदमी की वस्तुगत जरूरतों का जिक्र कम है, या आदमी का आदमी होने की जो शर्त है जी वो ज्यादा स्टैंड बाई करती है। क्या है कि जो आभासी यथार्थ है जी, उसमें दृश्य जगत हाँ, या यो कह लीजिए जो वस्तु जगत है हाँ, उसका आभास या उसकी उपस्थिति का बोध आपको आभासों के माध्यम से ठीक, ये क्या है कि बिल्कुल उल्टी प्रति बात है। देखिए होना तो भाई वस्तु जगत तो हमारे सामने विद्यमान है, लेकिन उस वस्तु जगत को जो है वो आभासों का विषय बना करके आपको उससे जोड़ा जाए, जैसे उस बच्चे को के मुंह में निप्पल देकर के उसे जो है ये एहसास कराया जाए, या उस बच्चे को जो है ये जताया जाए कि आप अपने माँ का स्तनपान कर रहे हैं, ये उल्टी प्रक्रिया हो सकती है, उल्टी प्रक्रिया हुई। दूसरी तरफ जो है यथार्थ के आभास के अंदर वस्तु जगत पहले है, ठीक, उसके बाद आप उस वस्तु जगत का आभास कर, खट्टी चीज देख के मुंह में पानी आ जाना, खट्टी चीज देख करके मुंह में पानी आ जाना, वो जो है ना वो यथार्थ का आभास है, ठीक है, लेकिन क्या है कि मुंह में पानी पहले आ जाए खट्टी चीज आपके बाद में आए तो वो जो है ना वो उल्टी उल्टी। आपसे कहा जाए कोई कि मैं जो है ना वो नींबू की शिकंजी बना रहा हूँ, कोई आपसे ये कहे कि मैं नींबू की शिकंजी बना रहा हूँ, और नींबू की शिकंजी का नाम सुनते ही आपके मुंह में जो है एक वो नींबू का स्वाद तैरने लग जाए, तो ये आभास आभास। और नींबू की शिकंजी बाद में आ रही है आपके पास, तो इसलिए क्या है कि वो जो आभासी यथार्थ है वो तकनीकी क्षेत्र के लिए तो उपयोगी हो सकता है, वो बाजार के लिए उपयोगी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो कला के लिए जो है वो ज्यादा उपयोगी नहीं, कभी कला के लिए ज्यादा। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि दोनों ही, चाहे वो आभासी यथार्थ हो और चाहे वो यथार्थ का आवास हो,
दोनों ही दोनों ही इल्यूजन से जुड़े हुए हैं। इतने महत्वपूर्ण निबंध हैं ये, तो मैं चाहता हूं कि आप छोटा थोड़ा ब्रीफिंग इसमें से कुछ अंश भी आप दर्शकों तक पहुंचा दें, अगर संभव हो तो बेहद प्रसन्नता की बात। मैं कोशिश करता हूं, देखिए जी ना आप ठीक समझे। हाँ, मैं कोशिश करता हूं, है ना, तो ज्यादा प्रासंगिक हो जाएगा। पहले तो जी आवासीय यथार्थ के लिए संदर्भ में जो है ना, जी उत्तर आधुनिकता ने मनुष्य की जगह व्यक्ति को, व्यक्ति की जगह उपभोक्ता को और समाज की जगह बाजार को ला करके बिठा दिया। बाजार की संस्कृति अधिकतम लाभ से संचालित होती है, इसलिए उसमें मनुष्य के आपसी संबंध भी लेन देन से परिभाषित होते हैं। क्या बात, संबंधों के मूल में रहने वाली भावनात्मक गर्म जोशी की जगह स्वार्थ प्रेरित रिश्ते बनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उत्पाद और उपभोक्ता के बीच में होते हैं, यूज एंड थ्रो के। बहुत अच्छा। जब तक कोई वस्तु या व्यक्ति उपयोगी है तब तक उसका उपयोग किया जाए, ठीक है, काम की न रहने पर उसे फेंक दिया जाए, उसे पीछा छुड़ा लिया जाए। बाजार ने स्पर्धा को स्थायी भाव में तब्दील कर दिया। बहुत अच्छा। प्रतियोगिता, बात सारी खुल गई। बाजार ने स्पर्धा को स्थायी भाव में तब्दील कर दिया है, वह केवल स्पर्धा पर जिंदा रहता है, वहां अपने माल को दूसरे के माल से बेहतर बनाने और बताने की होड़ लगी रहती है। उत्पादक अपने उत्पाद को गुणवत्ता पर बनाकर बाजार में उतारेगा, तब ही उपभोक्ता को आकर्षित कर पाएगा। यह बाजार का लोकतंत्र है जिसमें सबको अपना माल बेचने की छूट है। बहुत अच्छा। लेकिन मत से न्याय से उसमें कोई नहीं बच पाता। सच है। अब आभासी यथार्थ का जो है, हाँ, वो एक हिस्सा जो इस लोकतंत्र से ही जुड़ा हुआ है, ठीक, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इस सारी चर्चा का सार ये है कि आभास एक रास्ता है, ठीक, उसे मंजिल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। कल्पना या स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थों की सत्ता भी हमारी चेतना में होती है। चेतना में वही प्रतिबिंबित होता है जो वस्तु जगत में हमारी इंद्रियों के लिए बोधगम्य है, ठीक। कल्पना में कल्पना करने वाली चेतना और काल्पनिक बिंबों के रूप में उभरने वाला वस्तु जगत, दोनों की मिलीजुली उपस्थिति होती है। चेतना बिंबों को उत्पन्न भी करती है और उन्हें ग्रहण भी करती है, इसलिए कलात्मक बिंब पूर्णतः आभास होते हैं, ठीक। वस्तु जगत में होने और लगने के बीच का विस्तार ही कलाओं का रचनात्मक परिसर होता है, ठीक। वस्तु जगत में होने और लगने का जो विस्तार है वो ही रचनात्मक परिसर होता है। ये वे ही छोर है जिनके बीच कलाओं का दिक् प्रसार यानी भाव, कल्पना और अनुभूति की परिधि को जाना जा सकता है। काल की गति को कलाओं के जरिए मापना सहज नहीं है, लेकिन जो है उससे बेहतर के लिए कलाकार कौन से सपने देख रहा है, उनमें किन रंगों की छटाएं बिखेर रहा है, वे स्वप्न यथार्थ के किन अर्थों से भिन्न है, इन्हीं से कलाकार या कवि की समय के प्रति पहुंच का पता चलता है, सही, और यही उसके द्वारा अपने समय का अतिक्रमण है। यद्यपि कवियों को निरंकुश कहा गया है, ठीक है, ऐसा निरंकुश जो निरंतर एक लोकतांत्रिक संसार की रचना में संलग्न रहता है, यहां निरंकुश को यदि तानाशाह मान लिया जाए तो गलत नहीं होगा। कवियों और कलाकारों की दुनिया में मानवीय मूल्यों, सौंदर्य बोध, संवेदनीयता और निष्ठा के विकास की भरपूर संभावनाएं रहती है। वह एक ऐसा लोकतंत्र होता है जिसमें उसके निर्माता को भी केवल रचना के दौरान ही स्वेच्छाचार की छूट होती है। वह ऐसा लोकतंत्र होता है जिसमें उसके सृष्टा के प्रति सद्भावना और काव्य व्यवस्था के निर्वहन में सदाचार की कदम कदम पर अपेक्षा की जाती है। ऐसा लोकतंत्र जिसकी जड़ें भाव विस्तार, वैचारिक उदारता और मनोवृत्तिगत संकीर्णताओं के परित्याग में प्रशस्त हुई दिखती है। ऐसा लोकतंत्र जो एकदम आह्लादकारी, प्रेरक और लोक कल्याण की कामना से लबरेज। क्या बात,
आपने एक बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग जिसमें आपने यहाँ से मुझे सोचने मजबूर किया, जितना आवश्यक मान लीजिए, कोई ज्यादा अच्छा और शब्द नहीं है ज्यादा मुझे कि मैं इसे जरूरत या आवश्यकता को जरूरत से भी ज्यादा, सारी दुनिया की मनुष्यता, मनुष्य होने की प्रासंगिकता टिकी है लोकतांत्रिक, बिल्कुल। तो ये आपका जो आभासीय यथार्थ है, कितना इसमें एक बाधक बन के खड़ा है और कितना यथार्थ का आभास है इसको पूरित कर रहा है। जी देखिए क्या है कि मनुष्यता के जो प्रश्न है जी, वे प्रश्न लोकतांत्रिक मनोवृत्ति जी और साथ ही साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक है, उन दोनों से बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं। इस रूप में गहरे तक जुड़े हुए हैं कि जब हम जो लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा, समानता, आपसी सद्भाव, नैतिकता और तर्कशीलता, या यूं कह लीजिए कि विवेकशीलता, ये उसके आवश्यक जो है शर्तें हैं। अगर हम जो है इन तमाम चीजों से अपने आप को अलग करते हैं तो माफ करना, हमारे लोकतांत्रिक होने के ऊपर संदेह होने लगता, सवाल खड़ा होता है पूरा। अगर दूसरे मनुष्य के प्रति मेरे मन में भाईचारे का भाव नहीं है, सद्भाव नहीं है, दूसरे मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उसका मैं सम्मान नहीं करता हूं, और न्याय की उसकी जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के अनुरूप मैं अपने आप को सिद्ध नहीं करता हूं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं कहीं पर मनुष्यता में मेरा विश्वास नहीं है, अपने होने में कमी। अब दिक्कत यह है कि आपने जिस आभासी यथार्थ की बात की जी, वो आभासी यथार्थ चूंकि सारा का सारा तकनीकी मसला है, और जो तकनीक है वो तकनीक एक खास वर्ग के हितों को पूरा करने के अंदर संलग्न दिखाई पड़ रही है, उन्हीं के लिए रची गई और उन्हीं के लिए वो रची गई है, उन्हीं के फायदे के लिए वो रची गई है, उसके माध्यम से वो जो है वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बना रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। तो वो जो तकनीक है, वो तकनीक समाज के अंदर से ये जो समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय और विवेकशीलता रोक हो रहा है, इसको चीजने के ऊपर मजबूर कर, ये सब चीजते चले जा, ये बड़ा नुकसान है। तो वो क्या है कि ठीक है, आप जो है एक ऐसे लोगों की दुनिया तो आप खड़ी कर देंगे जो कुल मिलाकर के आपके इशारों के ऊपर चले, बिल्कुल ठीक, या यो कह लीजिए कि वो एक जो है तकनीकी कॉलोनी तो आप खड़ी कर सकते हैं। हाँ, एक जिसको टेक्निकल कॉलोनी जो है ना, ठीक, वो टेक्निकल कॉलोनी तो आप खड़ी कर सकते हैं, लेकिन जिसको एक मानवीय समाज कहा जाता है वो मानवीय समाज उसके अंदर वो नजर नहीं आ, क्योंकि जब उनके पास में जो है उन मानवीय मूल्य नहीं बचे, ठीक है, मानवीय संवेदनाएं नहीं बची, फिर बचता क्या, तो फिर बचता क्या, और किसके लिए, किसके लिए आखिरकार, क्या रोबोट के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। सही,
सही है। तो इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो है ना ये आवासीय था वो केवल उसको जो है ना वो एक तकनीक का की उपलब्धि मान करके नहीं नहीं अपनी जरूरत के हिसाब से संयमित रूप से उसका उपयोग करें, बाकी उसको हम अपने जीवन के अंदर जो है वो हावी में हो ना हो जीवन के हमारी हमारी मनुष्यता में उसका जो हस्तक्षेप है वो नहीं उससे बचा जाए तो साथियों जैसा भी हमने वार्ता करी हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप अपने कमेंट्स जरूर कीजिए। जरूरी नहीं कि आप अच्छा ही कहें, जैसा आपको महसूस हुआ हो, आपकी जिज्ञासा हो या प्रश्न हो या आपका अपना नजरिया हो ताकि हम ये सोचते हैं कि इस विषय पर हम एक बार फिर आपसे मिलना चाहेंगे तो उसमें आप सहयोग कीजिए प्लीज। और आज के लिए समय की बात देता है मनु जी, बहुत बहुत आभार आपका, आभार और जन सरोकार मंच के प्रति विशेष रूप से आभार, आभारी हैं हम आपके इस विषय के ऊपर अपनी बात कहने का अवसर दिया। कितनी वो बात आज तक संप्रेषित हुई है ये तो जरूर बताएंगे, दर्शक लोग बताएंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।